गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले लेक्चर में हम एंथोसोर्स के इंटरनल और आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और साथ ही साथ बात की थी कि एंथोसोर्स में जनन किस प्रकार से पाया जाता है। तो एंथोसोर्स में दो प्रकार का जनन पाया जाता है, एक तो कायिक होता है और दूसरा कौन सा होता है, लैंगिक जनन। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लैंगिक जनन। यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है एंथोसोर्स के अंदर, वो डिपेंड करता है कि उभयलिंगाश्री है या एकलिंगाश्री है, क्योंकि एंथोसोर्स की जातियां दोनों प्रकार की पाई जाती हैं, उभयलिंगाश्री भी पाई जाती हैं और एकलिंगाश्री भी पाई जाती है। यहाँ मेल और फीमेल थैलस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक लिंगाश्रय में अलग अलग होते हैं, लेकिन जहाँ उभय लिंगाश्रय जातियाँ पाई जाती हैं वहाँ मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक ही थैलस पर उपस्थित होते हैं। जो जातियाँ उभय लिंगाश्रय पाई जाती हैं इन जातियों में प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जाती है, प्रोटेंड्रस पूर्वता। यहाँ प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जाती है, इट मींस अगर उभय लिंगाश्रय जाती है नर और मादा दोनों एक ही थैलस पर उपस्थित हैं, तो यहाँ पहले जो मेल पार्ट है वो पूर्वता, मतलब पहले जो मेल पार्ट है वो मेल पार्ट पहले क्या होगा, मैचो। मेल पार्ट का परिपक्वन पहले होता है और फीमेल पार्ट का जो परिपक्वन है वो क्या होता है, बाद में होता है। तो यहाँ थैलस की जो अपाक्ष सतह होती है, थैलस की जो अपाक्ष सतह होती है, अपाक्ष सतह पर किसका निर्माण होता है, चाहे मेल पार्ट हो चाहे फीमेल पार्ट हो, चाहे पुधानी हो चाहे स्त्रीधानी हो, पुधानी और स्त्रीधानी दोनों का निर्माण ही थैलस की अपाक्ष सतह पर होता है। और अपाक्ष सतह पर भी कहां, अपाक्ष सतह पर भी जहां वृद्धि बिंदु उपस्थित होते हैं, वृद्धि बिंदु उपस्थित होते हैं। तो आपको मैंने बताया था इससे पहले लेक्चर में कि इसकी जो कटी फटी सतह उपस्थित होती है, एंथोसोर्स की जो किनारे हैं वो बहुत अधिक कटे फटे होते हैं और इन कटे फटे किनारों पर वृद्धि बिंदु उपस्थित होते हैं। तो इन वृद्धि बिंदुओं के पीछे किसका निर्माण होता है, स्त्री धानी का और पुधानी का निर्माण होता है। तो यहाँ थैलस की अपाक्ष सतह पर स्त्री धानी और पुधानी का निर्माण होता है। बात करते हैं यहाँ पुधानी का निर्माण किस प्रकार से होता है, डेवलपमेंट। पुधानी का विकास, पुधानी का विकास वृद्धि बिंदु अपाक्ष सतह पर वृद्धि बिंदुओं के पीछे उपस्थित सेल से हो रहा है। तो वृद्धि बिंदुओं के पीछे उपस्थित कौन सी सेल्स हैं, वो पृष्ठीय कोशिकाएं हैं, पृष्ठीय सेल्स। ये पृष्ठीय सेल्स किसका निर्माण करेंगी, पुधानी का निर्माण करेंगी। अब यहाँ जो अपाक्ष सतह पर पृष्ठीय सेल्स उपस्थित हैं, इन पृष्ठीय सेल्स में से कोई एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाएगी, आकार में भिन्न हो जाएगी, अन्य कोशिकाओं से आकार में भिन्न हो जाएगी और यही कोशिका आगे किसका निर्माण करेगी, पौधानी का निर्माण करेगी। इसको कहते हैं सुपरफिशियल फर्टाइल सेल, सुपरफिशियल फर्टाइल सेल। इस सुपरफिशियल फर्टाइल सेल में पहला जो विभाजन होगा वो पहला विभाजन अनुप्रस्थ होगा और अनुप्रस्थ विभाजन से यहाँ दो सेल का निर्माण होता है। ऊपर वाली जो कोशिका बनती है उसे कहते हैं हम रूफ इनिशियल और नीचे वाली जो कोशिका बनती है इसे कहते हैं एंथेरिडियल इनिशियल।
ऊपर वाली कोशिका रूफ इनिशियल, नीचे वाली कोशिका एंथेरिडियल इनिशियल। स्टूडेंट्स होता क्या है, जो रूफ इनिशियल और एंथेरिडियल इनिशियल जो कोशिकाएं हैं, रूफ इनिशियल आगे विभाजन करेंगी, लगातार विभाजन होंगे और यहां दो स्तरीय छत का निर्माण करेंगे। जो रूफ इनिशियल सेल होती है, इस रूफ इनिशियल सेल में बार बार विभाजन होते हैं और बार बार विभाजनों से दो स्तरीय छत का निर्माण हो जाता है। किसके ऊपर? पुधानी के ऊपर। जो पुधानी होगी उस पुधानी के ऊपर दो स्तरीय छत का निर्माण हो जाएगा, एक प्रोटेक्शन लेयर का निर्माण हो जाएगा। बात आती है एंथेरिडियल इनिशियल सेल की, तो एंथेरिडियल इनिशियल सेल में विभाजन पीछे होंगे, पहले क्या होगा, इन दोनों कोशिकाओं के मध्य में म्यूसिलेज कैविटी का निर्माण हो जाएगा। जो दोनों कोशिकाएं एक दूसरे के कैसी हैं, कॉन्टैक्ट में, तो ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से दूरी आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां म्यूसिलेज कैविटी का निर्माण होगा और म्यूसिलेज कैविटी के निर्माण की वजह से ये कोशिका इधर आ जाएगी और इसके ऊपर जो इनिशियल सेल थी, इनिशियल सेल में विभाजन होगा और विभाजन हो करके इसके ऊपर स्तर बनाना स्टार्ट करेंगी। तो ये कौन सी है, रूफ सेल, और इनके मध्य में म्यूसिलेज कैविटी। इस म्यूसिलेज कैविटी को हम एंथेरिडियल चैम्बर भी कह सकते हैं, एंथेरिडियल कैविटी भी कह सकते हैं। और नीचे की तरफ क्या उपस्थित है, ये एंथेरिडियल इनिशियल कोशिका उपस्थित है। अब देखिए टॉपिक से इधर चलते हैं। अब यहां पर जो एंथेरिडियल इनिशियल कोशिका है, ये एंथेरिडियल इनिशियल जो सेल है, इस एंथेरिडियल इनिशियल सेल में एक दूसरे के समकोण पर विभाजन होते, समकोण पर विभाजन होते। जब स्टूडेंट्स इस एंथेरिडियल इनिशियल कोशिका में एक दूसरे के समकोण पर विभाजन होंगे, पहले विभाजन हुआ दो सेल बन गई, दूसरा विभाजन हुआ चार सेल बन गई, तो पहले चार सेल का निर्माण होता है। अब यहां चार सेल में वापस विभाजन होगा तो आठ सेल का निर्माण हो जाएगा, आठ सेल्स बन गए। अब ये आठ सेल चार चार के दो स्तरों में, चार सेल का एक स्तर ऊपर और चार सेल का एक स्तर नीचे, तो यहां दो स्तरों में व्यवस्थित हो जाएंगी। एंथेरिडियल इनिशियल सेल में समकोण पर विभाजन होंगे एक दूसरे से, चार कोशिकाएं बन जाएंगी, चार कोशिकाओं में वापस डिवीजन होंगे, विभाजन होंगे, और डिवीजन होने से आठ सेल का निर्माण हो जाएगा। आठ सेल अब चार चार के दो लेयरों में, एक ऊपर की ओर होगा एक स्तर और एक स्तर नीचे की ओर होगा। जो ऊपर वाला स्तर है, ये ऊपर वाला स्तर तो आगे के विभाजन करेगा, लेकिन नीचे वाला जो स्तर है, ये नीचे वाला स्तर स्टॉल का निर्माण करेगा, ब्रंथ का निर्माण करेगा। इसकी जो चार कोशिकाएं, ये चार कोशिकाएं फर्दर डिवाइड होंगी, आगे वापस विभाजन करेंगी और आगे वापस विभाजन करके किसका निर्माण करेंगी, ब्रंथ का निर्माण करेंगी। इस ब्रंथ के ऊपर, इस ब्रंथ के ऊपर जो ऊपर वाली चार कोशिकाएं हैं, ये ऊपर वाली चार कोशिकाएं बराबर विभाजन करके किसका निर्माण करेंगी, आगे एंड्रोसाइट्स का निर्माण करेंगी और एंड्रोसाइट्स के चारों तरफ जैकेट का निर्माण करेंगी। तो देखिए ऊपर वाली चार कोशिकाओं में पहला विभाजन हुआ, आठ सेल बनी, दूसरा विभाजन हुआ, सोलह सेल बनी, दो विभाजन होंगे और दो विभाजनों से यहां पर सोलह कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब ये सोलह कोशिकाएं वापस से आठ आठ सेल्स के दो स्तरों में व्यवस्थित हो जाएंगी, आठ सेल्स ऊपर की ओर जब व्यवस्थित हो जाएंगी और आठ जो सेल्स हैं वो कहां, नीचे की ओर व्यवस्थित हो जाएंगी, ऊपर नीचे दो लेयरों में व्यवस्थित हो जाएंगी। किसके ऊपर चल रहा है पूरा प्रोसेस, ब्रंथ के ऊपर।
जो यहाँ ग्रंथ का निर्माण हो चुका है उस ग्रंथ के ऊपर ये प्रोसेस चल रही है। ऊपर वाली जो 8 कोशिकाएं हैं, ये 8 कोशिकाएं जैकेट का निर्माण करेंगी और नीचे वाली जो 8 कोशिकाएं हैं, ये 8 कोशिकाएं एंड्रोसाइट्स का निर्माण करेंगी। इनमें अनियमित विभाजन होंगे और अनियमित विभाजनों के बाद में यहाँ पर किसका निर्माण होगा, एंड्रोसाइट्स का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट पौधानिका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखते हैं आगे, अब यहां पर जो एंथेरिडियल इनिशियल है, इस एंथेरिडियल इनिशियल में वापस विभाजन होंगे और वापस विभाजन होने के कारण यहां ग्रंथ का फॉर्मेशन हो जाएगा। वापस विभाजन होने की वजह से यहां ग्रंथ का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस ग्रंथ के ऊपर, इस ग्रंथ के ऊपर यहां एक दूसरे के समकोण पर 4 सेल्स का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि 4 सेल्स नीचे किसका निर्माण कर रही है, ग्रंथ का। बाकी ऊपर की तरफ जो 4 सेल्स हैं वो आगे डिवाइड होंगी, तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाती है एंथेरिडियल सेल्स, एंथेरिडियल सेल्स, ये स्टॉल एंथेरिडियल चेंबर, और इनके ऊपर यहां किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, रूफ का। रूफ कैसी है, 2 परतीय, तो यहां 2 परतीय रूफ का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आगे जो ये 4 कोशिकाएं हैं, आगे जो 4 एंथेरिडियल सेल हैं, इन एंथेरिडियल सेल में वापस विभाजन होंगे, 16 सेल का निर्माण हो जाएगा, और 16 सेल के निर्माण के बाद यहां पर क्योंकि 16 कोशिकाएं 8-8 कोशिकाओं के 2 स्तरों में व्यवस्थित हो जाती हैं, ऊपर वाले स्तर की 8 कोशिकाएं किसका निर्माण करेंगी, जैकेट का, और नीचे वाले स्तर की जो 8 कोशिकाएं वो किसका निर्माण करेंगी। यहां तो देखिए, यहां ऊपर वाली 8 कोशिकाओं ने जैकेट का फॉर्मेशन कर लिया, ऊपर वाली 8 कोशिकाओं ने जैकेट का फॉर्मेशन कर लिया, और जो अंदर वाली सेल्स थी, या फिर अंदर वाली नहीं सॉरी नीचे वाली जो 8 सेल्स थी, इन कोशिकाओं में होते हैं अनियमित विभाजन, और अनियमित विभाजनों से यहां किसका निर्माण हो जाता है, एंड्रोसाइट्स का निर्माण हो जाता है। और ग्रंथ की जो सेल्स थी, ये ग्रंथ की सेल्स भी क्या करती हैं, आगे और डिवाइड होती हैं, क्योंकि स्ट्रांग होना चाहिए ग्रंथ के ऊपर, बहुत ज्यादा वजन रहेगा इसका, तो यहाँ पर ग्रंथ की सेल्स में और विभाजन होते हैं, ग्रंथ और मोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट संरचना पौधानी की विकसित हो जाती है, और ऊपर 2 स्तरीय रूप प्रेजेंट होती है। ऊपर वाली क्या है, रूफ, ये एंथेरिडियल चेंबर, बाहर वाला जैकेट, अंदर वाली एंड्रोसाइट्स, जितनी भी सेल्स हैं सभी को किसकी है, एंड्रोसाइट्स हैं, ये क्या है, स्टॉल्क ग्रंथ, और पूरी की पूरी संरचना किसकी है, अब ये पौधानी की। तो यहां इस प्रकार से पौधानी का फॉर्मेशन हो गया। अब पौधानी का फॉर्मेशन तो हो गया, पौधानी के साथ साथ में आगे किसका भी फॉर्मेशन होना है। अब ये जो एंड्रोसाइट्स हैं, ये जो एंड्रोसाइट्स हैं, एंड्रोसाइट्स किस प्रकार की है, इस प्रकार की सेल,
क्योंकि पुधानी में हमको डेवलपमेंट किसका कराना है, पुमड़ुओं का, एंथेरिजोइड का। तो अब यहाँ पर जो सेल्स थी, क्योंकि इससे पहले भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा है रिक्सिया के अंदर, तो यहाँ क्या होगा कि जो जो वर्गाकार सेल है इस पर विकर्ण से विभाजन होगा, और जब विकर्ण से विभाजन होगा तो इस प्रकार से दो सेल का निर्माण हो जाएगा। एक सेल से क्या बन गई है, ये दो सेल, विकर्ण से विभाजन हुआ, एंड्रोसाइट का, ये एंड्रोसाइट है, एंड्रोसाइट का विकर्ण से विभाजन हुआ, तो यहाँ दो सेल्स का निर्माण हो गया। अब इन सेल्स में क्या होगा, कायांतरण, इन सेल्स में यहाँ कायांतरण होगा। तो कायांतरण होने के कारण यहाँ पर पुमड़ुओं का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये पुमड़ू कैसे होंगे, द्वैकसाभिक पुमड़ुओं का निर्माण हो जाएगा। तो एट लास्ट एंड्रोसाइट कायांतरित होकर के पहले विभाजन करेगी, विभाजन करके दो त्रिभुजाकार सेल का निर्माण करेगी, और त्रिभुजाकार सेल कायांतरित होकर के किसका निर्माण कर लेगी, द्वैकसाभिक फ्लैजिला का निर्माण कर लेगी। अब ये सिर्फ पुधानी से फ्लैजिला फ्री, सॉरी एंथेरिजॉइड जो है वो क्या होंगे, फ्री कैसे होंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या होगा, जब कंप्लीट यहाँ पर जो एंड्रोसाइट है, एंड्रोसाइट कंप्लीट रूप से किसके अंदर चेंज हो चुकी है, एंथेरिजॉइड के अंदर, यहां कंप्लीट रूप से एंथेरिजॉइड बन चुके हैं, इनका परिपक्व हो गया है। तो अब ये फ्री कैसे होंगे पुधानी से, तो पुधानी से फ्री होने के लिए यहां क्या होगा कि जो रूप सेल्स हैं, यहाँ पर जो छत कोशिकाएं हैं, ये रूप सेल्स हैं, ये रूप सेल्स एक दूसरे से डिस्टर्ब होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं, अलग होती हैं, तो यहाँ से ये क्या होंगी, हट जाएंगी, यहाँ से या यहाँ से किसी भी स्थान से हट जाएंगी, किसी भी स्थान से हट सकती हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि यहाँ शीर्ष से हटेंगे, सामान्य तौर पर शीर्ष से ही हटती हैं। जब इस स्थान से हटेंगी तो यहाँ से ये सेल्स भी टूटेंगी, ये सेल जब टूटेंगी तो यहाँ पर क्या है, एंथेरिडियल चेंबर, इस एंथेरिडियल चेंबर में यहाँ पर क्या भर जाएगा, जल। जैसे ही एंथेरिडियल चेंबर में यहाँ पर जल भरेगा तो यहाँ पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, जैकेट, चारों तरफ से कवर किए हुए पुमड़ुओं को यहाँ पर जैकेट सेल्स प्रेजेंट है, तो ये जैकेट सेल जल का अवशोषण करेंगी। जब यहाँ पर जैकेट सेल जल का अवशोषण करेंगी, जल अवशोषित करके क्या हो जाएंगी, इनके अंदर म्यूसिलेज होता है, और म्यूसिलेज जैसे ही जल अवशोषित करेगा तो श्लेष्मीय पदार्थ बना लेगा, यहां श्लेष्मीय पदार्थ बन जाएगा, और श्लेष्मीय पदार्थ के निर्माण के कारण, ये श्लेष्मीय पदार्थ का निर्माण जैसे ही होगा यहां पर, तो यहां सेल्स में क्या होगा, सेल्स फूलना स्टार्ट हो जाएंगी। जब सेल्स यहाँ पर फूलना स्टार्ट होंगी तो एक दूसरे पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर की वजह से जैकेट लेयर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे ही जैकेट लेयर यहाँ से टूटी, जल क्या हुआ, अंदर आया, और अंदर आते जो पुमड़ू हैं, ये पुमड़ू क्या हो जाएंगे, यहाँ से फ्री, पुमड़ू यहाँ से फ्री होके कहाँ पहुंच जाएंगे, बाहर वातावरण में। तो इस प्रकार से जैसे पुधानी का मैच्योरेशन होता है, पुधानी के मैच्योरेशन होने के तुरंत बाद जो इसकी छत सेल्स होती हैं, रूप सेल्स होती हैं, वो एक दूसरे से पृथक होना स्टार्ट हो जाती हैं। इनके पृथक होने पर यहाँ जल के लिए निकास या अंदर प्रवेश करने के लिए स्थान मिल जाता है, जल जैसे ही अंदर जाता है एंथेरिडियल चैम्बर के अंदर, तो यहाँ जैकेट सेल्स जल का अवशोषण करके श्लेष्मीय पदार्थ बनाएंगी, श्लेष्मीय पदार्थ के कारण सेल्स फूलेंगी, और फूलने के बाद में यहाँ से छिद्र का निर्माण होगा, टूटेंगी, टूटने के बाद में जल अंदर जाएगा, और अंदर जाकर के जो पुमड़ू पहले से अंदर प्रेजेंट हैं, वो पुमड़ू जल के साथ क्या आ जाएंगे, तैरकर फ्लैजिला हैं, मूव करेंगे और बाहर वातावरण में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में देखें स्त्रीधानी का डेवलपमेंट।